आप सभी देख रहे हैं News21 TV एवं पॉजिटिव दोस्तों। आप सभी हमारे साथ लाइव थे, लेकिन टेक्निकल कारण के कारण नेटवर्क का इशू हो गया, तो इसलिए हम वो वीडियो डिलीट हो गया हमारा। अब हम दोबारा से नए सिरे से सुरेंद्र वशिष्ठ जी से बात करेंगे, क्योंकि देखिए लगातार कई वर्षों से प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जन समस्या को उठाने का काम करते हैं, उनको उनका हल कराने का काम करते हैं सुरेंद्र वशिष्ठ, और विधायक पद के प्रबल एवं संभावित दावेदार हो सकते हैं बहुजन समाज पार्टी से प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। सुरेंद्र वशिष्ठ सर, आपका स्वागत और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे, प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 4 साल हो गए भाजपा सरकार और जसपा सरकार की सरकार बने हुए, किस नज़रिए से देखते हैं? नमस्कार जी, वैष्णव जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा जी कि सरकार JJP और BJP की सरकार में विकास कार्यों की जो आप बात कर रहे हैं, आप स्वयं भी देख सकते हैं। मैं तो रोज़ाना क्षेत्र में घूमता हूँ तो देखता हूँ, यहाँ विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। और जो क्षेत्र का जो विधायक है उसको स्वयं जनता ढूंढ रही है विकास कार्य, तो जब हों जब जनता उनको उनका यही नहीं पता कि वो कहाँ है, और चाहे उनके गांव वसावटी को उठा के देख लो, पूरे क्षेत्र की बात बाद में करेंगे कि गांव वसावटी में विकास के नाम पर, सड़क के नाम पर वहाँ से निकलने के लिए वहाँ रास्ते इतने ख़राब हैं, निकलना दूभर है। चाहे कानून व्यवस्था की बात करो, तो विधायक के गाँव की मैं बताऊँगा कि वहाँ एक दलित की बेटी के साथ अभी थाने में एक FIR के लिए हम गए थे, अभी FIR नहीं हुई है, एक दरखास्त शिकायती दी है, तो उनको दलित की बेटी को दबंग परिवार से आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ा। उनका एक वीडियो, उनका पेनड्राइव भी हम पुलिस को देके आए हैं, साक्ष्य प्रूफ देखे, साक्ष्य के तौर पे हम उन्होंने देखे आए हैं, लेकिन सरकार में कानून व्यवस्था भी, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल पुअर है, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है, लेकिन हम भी ऐसे नहीं बैठेंगे पूरी पूरे। अच्छा ये बताइए, आपके प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रारूप क्या, मतलब प्रारूप का मतलब ये है कि कितने गांव हैं, कितने निगम क्षेत्र में, कितने नगर पालिका क्षेत्र में, आपका कौन कौन सा क्षेत्र, कम से कम हम सवाल इसलिए पूछ रहे हैं आपसे कि कम से कम जनता को पता चले कि उनके कैंडिडेट को पता है भी कि नहीं है क्षेत्र के बारे में। देखो पिछला विधानसभा क्षेत्र में 104 गांव थे, अब एक पंचायत मतलब टोटल अब 105 गांव हो गए। और रही नगर निगम की बात, तो हमारे जो पलवल के साथ लगते गांव हैं, चाहे उसमें नगर पालिका में, चाहे ओगानपुर हो, फिरोजपुर हो, ये नगर पालिका क्षेत्र के हैं, और बाकी गांव अपने पंचायतों में है। ये कुछ प्रतापगढ़ क्षेत्र के नगर निगम फरीदाबाद में शामिल कर लिए गए हैं, वो अभी शामिल हुए हैं, उनके अभी चुनाव हुए नहीं है, हाँ वो पेंडिंग है, चाहे उसमें मचगर है, चंदावली है, इधर के गांव अभी उसमें पेंडिंग है। एक सवाल और बताएं आप, सवाल का जवाब कि आपको एक तो बहुजन समाज पार्टी आपको टिकट क्यों दे, नंबर एक, हालांकि आपके सामने कोई दिखाई नहीं देता, आपने पिछली बार पुराने जो दिग्गज जो कहते थे अपने आपको कि हम, आपने उनकी टिकट कटवा कर अपनी टिकट अपने नाम करा ली बहुजन समाज पार्टी से, लेकिन अब की बार क्यों दे, नंबर एक, अगर आपको टिकट मिल जाती है तो जनता आपको वोट क्यों दे? बहुजन समाज पार्टी का मैं सच्चा सिपाही हूँ, कार्यकर्ताओं के बीच में निरंतर कार्य करता हूँ, और यहाँ का कार्यकर्ता अभी हमने हाल में बघोला गांव में अपने कार्यालय के प्रांगण में बहुत बड़ा एक जनसैलाब उमड़ा था, हालांकि एक कार्यकर्ता मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन उसमें 10 से 15 हज़ार के बीच में लोग इकट्ठे हुए, तो वो जनसैलाब चाहता है कि सुरेंद्र वशिष्ठ यहाँ से चुनाव लड़े। फिर भी अगर कोई कार्यकर्ता या पार्टी कुछ हमारे किसी और साथी को भी आजमाएगी, तो हम संगठित सिपाही हैं, संगठन में काम हमारे, हमें सिखाया जाता है बहुजन समाज पार्टी में, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पार्टी है, तो इसलिए अच्छा, मुझे जीत मान करके क्यों चल रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से आप जीत जाएंगे, कारण है कोई पता है? कारण मैं आपको बताऊं, पूर्व में भी बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी, बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ताओं की मेहनत, पहले भी अच्छा परिणाम पूरे हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी की, ये सबसे हॉट सीट है पिथला विधानसभा, और अब की बार भारी मतों से यहाँ विजयी होगी, चाहे प्रत्याशी सुरेंद्र वशिष्ठ हो, चाहे विनोद वैष्णव हो, ये आप पक्का मान लो कि बहुजन समाज पार्टी अच्छे मतों से जीतती है। अच्छा ये और आप बता दीजिए कि अगर आपको मौका मिल जाता है, जनता आशीर्वाद देकर आपको जिता देती है, तो सबसे पहला काम क्या कराना चाहेंगे आप पिथला विधानसभा में? देखो पिथला विधानसभा में इतने काम हैं करने के लिए, यहाँ चाहे आप रोड की बात करो, शिक्षा की करो, चिकित्सा की करो, परिवहन की करो, यहाँ हमने तो कभी हरियाणा रोडवेज की बसें यहाँ चलती देखी नहीं है, अंदर के जो गांव है,
पेरीफेरी जीटी रोड रोड पे तो चलती है। तो पेरीफेरी पूरा बोल रहे थे मुझे, जीटी रोड पर पेरीफेरी रोड पे तो हैं, लेकिन जो अंदर के गांव हैं उनमें हरियाणा जो परिवहन की सुविधा ना के बराबर है। हॉस्पिटल यहाँ जो गरीब तबका, यहाँ जो हॉस्पिटल है वो इतने महंगे महंगे हैं, उनमें इलाज हो सकता है, बाकी सरकारी सुविधाएं ना के बराबर है। अच्छा आपने ये कहा विधायक जी पर, एक वो कहा कि उन्हें कोई जनता ढूंढ रही, ऐसा नहीं है। विधायक जी ने बहुत सारे विकास कार्य कराए हैं। देखिए उन्होंने कहा है कि करोड़ों के विकास कार्य विधानसभा क्षेत्र में कराए हैं, उन्होंने उनका खुद का कहना, और हमने कई बार उनसे पूछा भी है। एक दो उद्घाटन अभी हुए हैं, कुछ रोड बने थे लेकिन वो एक दो महीने बाद, आप उसमें फिर से देख लेना, वो टूट गए हैं। उन कहीं पर का भी बता दो किसकी कह रहे हो, कौन सा रोड कर रहे हो? आप चाहे इधर से मांदकोल से फतेहपुर की तरफ जाओ, वो अभी बने बने देर नहीं हुई, वो टूटने लगे। तो पहली बात तो विकास कार्य है ही नहीं, अगर कोई है भी तो उसकी गुणवत्ता जीरो है। चलिए को अंत में अपने समर्थकों से कोई अपील, या प्रथला क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे अपील। मैं तो पिथला विधानसभा क्षेत्र के सभी अपने कार्यकर्ता और अपने क्षेत्रवासियों से यही अपील करूंगा कि भाई बहुजन समाज पार्टी के झंडे नीचे इधर उधर की बात ताका झाकी छोड़ के, और अपने एक बहुमत से जो भी पिथला विधानसभा क्षेत्र से, चाहे उसमें सुरेंद्र वशिष्ठ आए और चाहे पार्टी जिस पर भी विश्वास करे, उसको अच्छे बहुमत से जिताए, ताकि बहुजन समाज पार्टी के हाथ मजबूत हों, बहन जी के हाथ मजबूत हों, और यहाँ अपने क्षेत्र के विकास कार्य की बात हो चाहे भाईचारे की बात हो, उसमें मजबूती मिले। मैं क्षेत्र के वासियों को इसी के साथ, और जो पिथला विधानसभा क्षेत्र की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया यहाँ पहुँच के कार्यक्रम में, उसके लिए भी मैं पुनः उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो अच्छी तादाद में यहाँ आए, और आकर जो आशीर्वाद सुरेंद्र वशिष्ठ को दिया और बहुजन समाज पार्टी की ताकत को मजबूत किया, तो उसके लिए मैं पुनः उनका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। चलिए मैं बाहर आप इनके कार्यालय दिखा देता हूँ, आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं, और देखिए कार्यालय से लाइव तस्वीरें इनकी मैं वशिष्ठ साहब की से दिखा रहा था आपको। और इनका ये कहना है कि देखिए पृथला का एक इतिहास रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का पहले भी विधायक यहाँ पर बन के आया है और निरंतर दोबारा भी बन करके आएगा। और देखिए है भी ये सही बात है, और हॉट सीट उन्होंने कहा पृथला में ज़्यादातर। एक सवाल और है वशिष्ठ साहब दिखा दो कि पृथला विधानसभा एक देखा गया कि सरकार के विरोध मतलब विधायक बन के आता है, विपक्ष का विधायक बन के आता ज़्यादातर। देखो अब की बार तो सरकार में बहुजन समाज पार्टी के 15 से 20 विधायक जीत के आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। पृथला होगा नहीं होगा वो? पृथला विधानसभा से हमारे माननीय आकाश आनंद जी ने पहला कार्यक्रम पृथला से इसलिए दिया कि पृथला विधानसभा सबसे हॉट सीट है और सबसे ज़्यादा मतों से यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीत के जाएगा। और जो आप कह रहे हो ना कि भाई सरकार में नहीं होते, और अब की बार बहुजन समाज पार्टी की अगर सरकार नहीं बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी के बिना भी किसी की सरकार नहीं बनेगी, ऐसा मेरा मानना। बहुजन समाज पार्टी का सहयोग रहेगा, शामिल होगी, सहयोग हाँ, मजबूती से, प्रेशर से। अच्छा एक चीज़ और सवाल, देखिए डर तो होता ही है, जो पुराना कार्यकर्ता है और वक्त पर जब चुनाव का वक्त आता है तो पैरासूट से नया कोई आदमी आकर के टिकट ले जाता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे किसी और पार्टी से भी, अगर मान लीजिए भगवान ना करे कोई ऐसी बात होती है तो? सबसे पहले तो ऐसी कोई बात ही नहीं होनी ठीक है कि बहुजन समाज पार्टी अपने सच्चे हितैषी और अच्छे कार्यकर्ताओं को पे अजमाती है, जिसमें हम अच्छी तरह उस कसौटी पर खड़े उतरते हैं, हमें इस तरह का कोई डर नहीं है। अगर इस तरह किसी हमारे किसी और साथी पर भी विश्वास जताया जाता है तो भी मैं तो मैं चुनाव बहुजन समाज पार्टी से ही लड़ूंगा, अन्यथा जो भी बहुजन समाज पार्टी या बहन जी जिस पर विश्वास जताएगी मैं उसके साथ रहूँगा। चलिए धन्यवाद, आप हम मेरे साथ देख रहे थे, सुरेंद्र वशिष्ठ जी को सुन रहे थे, उन्होंने विस्तार से बताने की कोशिश की है कि मैं पृथला विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी से और जनता के लिए क्यों बेहतर रहूंगा अन्य उम्मीदवारों से। आप सीधे सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल करना चाहे व्यक्ति तो कमेंट बॉक्स पर अपना सवाल डाले, उसके जवाब हम सुरेंद्र वशिष्ठ जी से अगले कार्यक्रम में दिलवाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।